नमस्कार, आप नेशन भारत के साथ में राकेश। बिहार में कोरोना के मामले एक बार फिर से तेजी से बढ़ने को देखने को मिल रहे हैं। आपको बता दें चले कि बिहार में कोरोना मरीजों की संख्या में एक बार फिर से बेतहाशा वृद्धि हो रही है। बिहार में पिछले 24 घंटे के भीतर 74 नए मरीज कोरोना संक्रमित मिले हैं। रविवार की सुबह आई पहली जांच रिपोर्ट में एक साथ कोरोना के 18 नए मरीज मिले, फिर दूसरी रिपोर्ट में 17 नए मरीज मिले, जिसके बाद फिर मुजफ्फरपुर और पूर्वी चंपारण से 7 नए कोरोना पॉजिटिव मिले हैं, जिसके बाद अब बिहार में कोरोना संक्रमितों की जो संख्या है 663 हो गई है। इसके साथ ही कोरोना ने बिहार के 38 जिलों में से 37 जिलों में अपनी चपेट में ले लिया है। बता दें कि शनिवार की देर रात आई रिपोर्ट में एक दिन में कोरोना के कुल 32 मरीज मिले थे। अचानक से इस तरह बड़ी संख्या बिहार के लिए चिंता का विषय बनती जा रही है। हालांकि स्वस्थ होने वाले मरीजों की संख्या भी ज्यादा है। अपनी एक छोटी सी योगदान से भूखे व्यक्ति को खाना खिलाएं। रूफ फाउंडेशन की मुहिम अब कोई ना भूखा रहे से जुड़े rooffoundation.org पर जाएं या नीचे दिए गए लिंक को क्लिक कर करें डोनेट। जॉइन हैंड्स टू फीड द हंग्री। कल से पॉजिटिव मिले इन मरीजों में ज्यादातर बिहार से बाहर से आए प्रवासी मजदूर शामिल हैं। आज सुबह आई जांच रिपोर्ट में जो मरीज पॉजिटिव पाए गए हैं उनमें से 7 सहरसा जिले के, 7 मधेपुरा के, 2 दरभंगा जिले के हैं, 1 अररिया के और 1 बेगूसराय जिले के हैं। दूसरी रिपोर्ट में 8 किशनगंज के, 3 पटना के, 1 अररिया, 3 अरवल और 2 गया जिले के हैं। वहीं मुजफ्फरपुर और पूर्वी चंपारण में 7 और पॉजिटिव केस मिले, जिसके बाद मुजफ्फरपुर जिले में कुल कोरोना मरीजों की संख्या 6 हो चुकी है। सहरसा में फिर 7 मरीज मिले हैं कोरोना संक्रमित जिले में। इसमें रविवार को एक साथ 7 कोरोना संक्रमित मिले। इससे पहले सहरसा में 5 संक्रमित मरीज थे। अब नए मरीजों के मिलने से प्रशासनिक हलचल काफ़ी तेज हो गई है। मधेपुरा में महाराष्ट्र से आए मकतब के 7 लोग कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। 5 मई को इनका सैंपल जांच के लिए दरभंगा भेजा गया था। इसमें 6 पुरैनी व 1 घैलाड़ प्रखंड के हैं। सभी को स्थानीय मेडिकल कॉलेज में रखा गया है। दरभंगा जिले में आज 2 नए कोरोना मरीज मिले हैं। इससे पहले शुक्रवार को जिले में 4 नए कोरोना पॉजिटिव मिले थे, जिनमें से 3 एक ही परिवार के हैं। इसके अलावा DMCH में पहले से भर्ती 5 कोरोना मरीजों के साथ रह रहे उसके परिवार के 1 सदस्य के रिपोर्ट भी पॉजिटिव मिली थी। इस तरह अब जिले में कोरोना संक्रमित मरीजों की संख्या 11 हो गई है। मुजफ्फरपुर जिले में पहली बार कल 3 मरीज मिले और उसके बाद फिर रविवार को 3 नए मरीज मिले, जिसके बाद जिले में मरीजों की संख्या 6 हो चुकी है। कल जो मरीज मिले थे वो एर्नाकुलम एक्सप्रेस से अपने घर वापस लौटे थे और इन सबको क्वारंटाइन सेंटर में रखा गया है। इनकी जांच के लिए सैंपल्स लिए गए थे, जिसके बाद शनिवार को इन तीनों की जांच रिपोर्ट पॉजिटिव आ गई और इस तरह बिहार में कुल कोरोना संक्रमित मरीजों की संख्या 663। कोरोना से डरना नहीं, कोरोना को हराना है। कोरोना वायरस से जो भी बुनियादी सुरक्षा के उपाय हैं उनका पालन अवश्य करें। सहायता के लिए हेल्पलाइन नंबर 104 पर कॉल करें। कोरोना वायरस संक्रमण को फैलने से रोके। वायरस संक्रमण से बचने के लिए जो उपाय सुझाए गए हैं उन्हें अपनाएं और दूसरों को भी ऐसा करने को कहें। स्वस्थ रहें, सावधान रहें। रूफ फाउंडेशन द्वारा जनहित में जारी। फिलहाल इन बढ़ते आंकड़ों के बीच हम सभी लोगों को सतर्क रहने की आवश्यकता है, एहतियात बरतने की आवश्यकता, ताकि कोरोना का संक्रमण दूर दूर तक लोगों तक न फैले। फिलहाल खबरों में अपडेट बने रहने के लिए आप देखते रहें नेशन भारत, साथ ही हमारे वीडियोस को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। नमस्कार। लेटेस्ट खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल नेशन भारत को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं, ताकि कोई खबर छूट न पाए।